अस्सलाम वालेकुम आदाब, आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर, मैं हूं आशा खान। डीडीसी मेंबर्स की अगर बात करें तो 280 डीडीसी मेंबर्स जो थे वो प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें, कल भी उनका एक प्रोटेस्ट था और आज भी उनका एक प्रोटेस्ट था। कहीं ना कहीं उन्होंने ओथ ली, उसके बाद भी उनके प्रोटोकॉल जो है वो डिसाइड नहीं किए गए। उनकी भी ये मांग है कि हम ग्राउंड में जाकर काम करना चाहते हैं, जब उनको फाइनलाइज ही नहीं किए जाएंगे उनके प्रोटोकॉल, तो वो किस तरह से लोगों की मदद करेंगे। तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए अर्षी देवी जी मौजूद हैं, डुड्डू बसंतगढ़ से डीडीसी। मैम, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो वहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं 280 कैंडिडेट्स, तो आपको क्या लगता है, वो सही है या गलत है? नहीं, वो तो अपनी जगह पर सही हैं, वो तो सही हैं। हाँ, सही होंगे तभी वो तो कर रहे हैं। हमारी सैलरी बढ़ना चाहिए, हमें प्रोटोकॉल जो है वो मिलना चाहिए। आपको प्रोटोकॉल नहीं चाहिए और आपको सैलरी नहीं चाहिए? देखो, मुझे अगर प्रोटोकॉल मिल भी जाता है तो मैं, अगर मेरे गांव की डेवलपमेंट नहीं होगी, काम नहीं होगी, तो मैं उस प्रोटोकॉल को क्या करूंगी? ठीक है ना, मैं उस प्रोटोकॉल को करूंगी क्या? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर प्रोटोकॉल तो होना ही चाहिए, तभी तो डेवलपमेंट हो सकती है, तभी तो हम लोगों को। आपको नहीं चाहिए अगर आपको अपने वहाँ पे इलाके में काम करना है, आपको फंड नहीं आएंगे, या चलिए आपके पास एक सैलरी है, मान लीजिए आप वही सैलरी उन पर खर्च करती हैं, फिर आप किस तरह से काम करेंगे? अगर आपको प्रोटोकॉल ही नहीं चाहिए, आपको सैलरी नहीं चाहिए, अगर आप फंड्स नहीं आएंगे, आप किस तरह से जो लोग हैं उनके लिए काम करेंगे? देखिए, मेरी जनता जो है पहाड़ी दूर दराज के लोग हैं, वहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे कोई सैलरी की ज़रूरत नहीं है। मैं उनके लिए दिन रात सेवा के लिए जुटी रहूँगी, लगी रहूँगी। मैं कोई मुझे सैलरी की कोई ज़रूरत नहीं। बिना पैसों के सेवा कैसे होगी? देखिए, पहले भी कौन से पैसे थे हमारे, तो अभी हम लड़के आए तो अभी हमारे पास पैसे होंगे। हमने पैसों के लिए इलेक्शन नहीं लड़ी है, मैंने लड़ी है सिर्फ लोगों की सेवा के लिए। तो मैं देखती हूँ, मैं जैसे अभी राउंड में गई, हर जगह में मैंने राउंड लगाया, तो देखो स्कूलों की हालत देखो, बिल्डिंगें गिर रही है, उनकी दीवारें देखो टूटी हुई है, स्कूलों में स्टाफ नहीं है हमारे। देखो, मोदी जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बच्चे वो क्या बेटियां पढ़ेंगी? जहां जहां लेक्चरर ही नहीं है वहां स्टाफ ही नहीं है, लोग रो रहे हैं। देखो हमारे अब वो कैसे पढ़ाई करेंगे वो बच्चे? तो बाकी हमारे बाकी और काम देखो, जैसे हमारे नरेगा के लोग हैं, 6-6 साल 7-7 साल हो गए उनके पैसे नहीं मिले हैं, जो इतने गरीब लोग हैं, सुबह बेचारे 8 बजे से 5 बजे तक दाढ़ी लगाते हैं, आज दिन तक उन लोगों को पैसे नहीं मिले हैं। और दूसरी बात ये है, जैसे हमारे पीएचई डिपार्टमेंट के लोग हैं, 500-500 पे बहुत भर्ती हुए हैं, तो उनको क्या 500 से क्या उनका गुजारा चलेगा? अगर हमारा 15,000 से गुजारा नहीं चल सकता तो उनका क्या 500 से गुजारा चलेगा? तो मैं उन लोगों के साथ हूँ, मैं उनके साथ हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भी डेली विजर हैं, जैसे हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, उनको देखो, उनकी सैलरी देखो क्या सैलरी है, उनकी हेल्पर देखो, एसपीओ देखो, जितने भी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं देखो, उनकी कोई उनको कोई सैलरी नहीं मिल रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से कि उनको सैलरी मिल जाए, जो डेली विजर हैं उनको पक्का किया जाए, तो हम सरकार तक ही बात पहुँचाएँगे ना। मैम, अभी 3 महीने तो हो गए हैं डीडीसी मेंबर्स को चुने हुए, बट उन्होंने अभी तक अपना काम नहीं किया। देखिए, काम तो मैं तो कहती हूँ, मेरे तो अपने जो छोटे मोटे जो लोग मेरे को बता रहे हैं, तो काम तो उनके हो रहे हैं। जैसे कोई छोटा मोटा काम है, जैसे कोई पस्सी पड़ रही है, या कोई स्कूल की स्टाफ नहीं है, वहाँ वहाँ जा रहे हैं, मतलब मेमोरेंडम बना के दे रहे हैं, तो काम भी हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मेरा तो यही है कि मैं लोगों की सेवा में हूँ और सेवा करूँ। रूलिंग पार्टी की बात करें, उन्होंने यहाँ पर कहा था डीडीसी इलेक्शन तो बड़े जोरों शोरों से करवाए, और अगर हम कहें 370 और 35 के बाद में पहली बार इलेक्शन हुए थे, लोगों ने काफ़ी वोट भी दिए थे यहाँ पर, कि जनता ने बम्पर वोटिंग किया, बट क्या कहा था, एज ए पावर इक्वल टू MLA की पावर्स दी जाएंगी, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है? देखो, उन्होंने तो यही बोला था कि आपको MLA की पावरें दी जाएगी, तो आप एक मिनी MLA हो। तो अभी तो सारे जो DDC मेंबर हैं, मतलब 280 है, सारे बाहर आए हुए हैं, वो बोलते हैं हमें तो इन्होंने चपरासी से भी नीचे रखा है। मैम, वो बोलते हैं, आप नहीं बोलती? मैं नहीं बोलती हूँ, मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि हम जो हमारी पैंथर्स पार्टी है, एक गरीब पार्टी है, और मैं भी उनमें से ही हूँ, और मैं एक गरीब लोगों से चुन के आई हूँ, और मैं खुद गरीब हूँ। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं डेवलपमेंट कराऊँगी, जैसे भी कराऊँगी, निष्ठा से काम करेंगी। मैं निष्ठा से काम करूंगी, मेरा यही है।
तो ठीक है, रूलिंग पार्टी के लिए क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि 3 महीने तो हो चुके हैं, अभी तक काम करने का मौका नहीं दिया, डीडीसी मेंबर्स को ग्राउंड पर नहीं उतारा, कहीं ना कहीं वो 280 जो कहें चलिए आप तो यहाँ पर आ गई, बाकी के 279 तो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी क्या पैगाम रहेगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि काम तो करना है, काम करेंगे तभी लोगों ने जो वोट दिए उनके वोट कहीं ना कहीं दिखेंगे। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन तक तो बात पहुँच चुकी है, तो आगे गवर्नर साहब तक भी बात पहुंच चुकी है, नरेंद्र मोदी जी से उनके साथ उन तक भी बात पहुंच चुकी है। तो देखो, उनको जो वो पे के लिए बोल रहे हैं, हमारी सैलरी बढ़ना चाहिए और हमें प्रोटोकॉल भी मिलना चाहिए, प्रोटोकॉल गाड़ी भी मांग रहे हैं ना? गाड़ी भी मांग रहे हैं, तो मैं गाड़ी क्या, ऑफिस भी मांग रहे हैं, ऑफिस भी मांग रहे हैं, मैं गाड़ी क्या मांगूंगी, मेरे रोड ही नहीं है, रोड की हालत देखो, अगर गाड़ी मिल भी जाती है तो एक बाहर जाते ही टूट जाएगी वो। ठीक है तो मैं क्या गाड़ी मांगूंगी, मैं पहले भी वोट मांगने पैदल गई थी, अभी भी पैदल चलूंगी, उनके साथ रहूंगी, जज्बा है पूरा जज्बा है, मैं दिन रात उन मैं काम में जुटी रहूंगी, मैं उन पीछे नहीं हटूंगी, मैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाऊंगी, जहां भी जाऊंगी, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन भी ये नहीं है कि हमें वो मना करेंगे काम के लिए, वो काम जरूर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए, साफ तौर पर हमारे साथ ही अर्शी देवी जी दुद्दू बसंतगढ़ से, जिनसे हमारी बातचीत हुई, जो डीडीसी के अभी जो मेंबर्स हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर अर्शी देवी जी का भी कहीं ना कहीं सही है कि ये गाड़ी लेकर क्या करेंगी, क्योंकि वहाँ पर तो रोड ही नहीं है, लोगों के काम करना चाहती हैं, दिन रात एक करना चाहती हैं लोगों की सेवा में, कहीं ना कहीं जो डीडीसी में लोग उतरे थे, वाकई में अगर हम देखें हमारे बहुत ही यंगस्टर ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, कहीं ना कहीं वो यही चाहते थे कि हम गरीब आवाम की मदद करें, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं जिससे वो फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे उनको निजात मिल सके। तो अर्शी देवी जी का भी यही कहना था कि हमें ग्राउंड पर उतर कर वर्क करना है, तो इसके लिए उनको करने दिया जाए, इसलिए जल्दी से जल्दी प्रोटोकॉल लाए जाएँ, जो रात के अंधेरे में हमेशा ऐसे ही कानून पास किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के हित में नहीं होते, इसीलिए पहले एडमिनिस्ट्रेशन को इनकी तरफ सुनना चाहिए, इनका भी यही कहना है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।